दुनिया में ट्रेन्स का इन्वेंशन हुआ उसके बाद काफी चेंजेस होते गए। जैसे पहले स्टीम इंजन के ट्रेन आते थे जिसके स्मोक से एयर पोल्यूशन बहुत होता था। उसके बाद इंसान ने उस पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन्स का इन्वेंशन किया। फिर जैसे जैसे वक्त बदलता गया और भी न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगी, तो इंसान ने फास्ट स्पीड पे चलने वाले मैग्नेटिक और बुलेट ट्रेन्स का इन्वेंशन किया। देखा जाए तो ट्रेन काफी सालों से पूरी दुनिया में हर जगह पे ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज भी होता है, और अब तक सिर्फ ट्रेन्स ही है जो सबसे चीप ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे अद्भुत ट्रेन्स भी हैं जिनका दूसरे काम के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रैक पर से स्नो क्लियर करना, रेलवे ट्रैक्स ठीक से अलाइन करना। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्रेन्स के बारे में बताऊंगी जो काफी अलग है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल द इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्नो प्लो ब्लोअर, जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ इस ट्रेन का काफी यूज किया जाता है। ये ट्रेन रेलवे ट्रैक्स पे जो स्नो जमा होता है उसे क्लियर करने का काम करता है, और ये ट्रेन इतनी हाई स्पीड की है कि एक घंटे में 1000 टन स्नो क्लियर कर सकती है। हैवी स्नोफॉल के वक्त इस ट्रेन का ज्यादा इस्तेमाल होता है ताकि ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से चल सके। ट्रैक रिपेयरिंग ट्रेन, ये बहुत ही अलग टाइप की ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक्स रिपेयर करती है और ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी यूज होती है। ऐसे मशीन्स होने के कारण बड़ा रेलवे ट्रैक रिपेयर करना और कंस्ट्रक्ट करना काफी आसान हो जाता है। मेट्रो पासिंग थ्रू बिल्डिंग, आपने हाईवे से पास होती ट्रेन्स तो देखी ही होंगी, लेकिन क्या आपने कभी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर से जाती ट्रेन देखी है? ये बहुत ही अनयूजुअल और यूनिक वे है ट्रेन रूट बनाने का। ये चाइना में बनाई गई मेट्रो ट्रेन है जो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर से जाती है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसा यूनिक रेलवे रूट है जहाँ ट्रेन बिल्डिंग के अंदर से होके जाती है। रेल ग्राइंडर, ये ट्रेन को देख के ऐसा लगेगा कि जैसे ये इमरजेंसी ब्रेक लगा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रेन स्पेशली रेल ग्राइंडिंग के लिए बनाई जाती है। रेल ग्राइंडिंग प्रोसेस है जिसमें रेलवे ट्रैक्स को शार्पनेस दी जाती है ताकि ट्रेन आराम से चल सके ट्रैक्स पे, और रेल ग्राइंडिंग से ट्रैक्स लॉन्ग टाइम तक अच्छे भी रहते हैं। फायर रेल ट्रैक्स, क्या आपने कभी रेल ट्रैक्स पे फायर किया हुआ देखा है? ज्यादातर ये टेक्निक शिकागो में यूज की जाती है। शिकागो में मौसम काफी ठंडा रहता है जिस कारण ट्रैक्स के मेटल श्रिंक हो जाते हैं और उस पे ट्रेन का चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब शिकागो में फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है तब ट्रैक्स को गर्म रखने के लिए उस पे फायर जलाया जाता है, और जब ट्रैक्स रिपेयर होते हैं तब भी ट्रैक्स पे फायर लगाया जाता है ताकि वर्कर्स कनेक्शन रिपेयर कर सके। तो ये थे दुनिया के सबसे यूनिक और स्ट्रेंजेस्ट ट्रेन्स जिनका इस्तेमाल ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं होता है, और कुछ अलग टाइप के रेलवे ट्रैक्स भी देखे जो काफी अद्भुत थे। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।